ये एक्वागार्ड का UTC मॉडल है जो कि अभी इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रहा हूँ। इसके साथ जो भी एक्सेसरी दिया हुआ है, ये पाइप है इनलेट और ड्रेनेज पाइप, और ये आई फिल्टर जो बाहर में लगेगा, और ये डायवर्टर दिया हुआ है जो कि नल से पानी आएगा इनलेट हॉल में जाएगा, और ये कई सारा टैप्स है जो कि इसमें लगेगा, और ये जो नल सिंक दिया हुआ है इसमें जो हमको पाइपिंग करना है कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनलेट का है और ये टैंक में जाएगा, और ये जो बोलू वाला है ये ड्रेनेज में जाएगा, और जो इधर है ये जो पीने के लिए पानी निकलेगा उसमें जाएगा। एक्वागार्ड अंडर द काउंटर, मतलब ये पूरा अंदर ही रहता है, केवल इसका जो अंदर सिंक रहेगा वो ही बाहर रहेगा। तो ये RO प्लस UV TDS रेगुलेटर, मतलब TDS भी ये मेंटेन करता है। तो ये अंदर मतलब फिनिश किए हुए हैं बेसिन के नीचे, तो हम दिखाते हैं ये कैसे इसका फिटिंग होता है। तो इनलेट पानी हम यहाँ से लिए हैं, इनलेट इधर से पानी होते हुए ये वाला प्री फिल्टर लगा हुआ है जो कि टैंक से जो भी पानी आएगा सबसे पहले इसमें आता है, उसके बाद आउट करके ये आउट फिल्टर है। ये एक्वागार्ड के साथ दिया हुआ था आई फिल्टर, उसके साथ यहाँ से जो पानी जाता है इसमें जाएगा। इसमें सारा कैंडल लगा हुआ अंदर में, जो कि यहाँ पे एक इनलेट पानी आया, उसके बाद ये वाला जो पानी है ये टैंक में गया इसमें, उसके बाद इसमें एक और है जो कि ड्रेनेज गया, उसके बाद एक और जो है ये वाला फिल्टर पाइप जो कि अभी यहाँ पे हम लगाएंगे बेसिन में जाएगा, जो कि ये पानी ऐसे निकल रहा है। तो अभी ऊपर लगा नहीं है इसलिए सेट नहीं किए हैं, तो इसको सेट कर मतलब प्लम्बर करेगा ऊपर बेसिन में, यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है वैसे दिखेगा। तो ये पूरा अंडरग्राउंडिंग है, ये बिल्कुल अच्छा दिखता है, बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल ये वाला ही दिखेगा।